लॉकडाउन एक ऐसा काल जिसके बारे में ना कभी सुना ना देखा, इससे हर वर्ग परेशान हो उठा है। काम बंद हुए तो प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। लॉकडाउन के बढ़ते कार्यकाल का डर ऐसा था कि मजदूर सैकड़ों मील दूर जन्मभूमि की ओर जाने लगे, लेकिन देश अनलॉक होने के बाद भी मजदूरों के पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकार ने 1 जून से 200 और ट्रेनें चला दी, लेकिन अब भी मजदूरों की एक ही इच्छा है कि वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं। लॉकडाउन में मजदूरों को ऐसा दर्द मिला जो उनकी जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता, और वो अब दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़ना ही बेहतर समझ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? सर मुझे जाना देवरिया, तो सुबह 9 बजे से आया हूँ, अभी तक टिकट का कुछ नहीं, 3-4 चक्कर काट चुका हूँ। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं? हाँ सर, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, तो सुबह से धूप में परेशान है। तो टिकट नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही सर। क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि कोई गाड़ी नहीं है यूपी के लिए, क्या नमक देवरिया के लिए या चाहे गोरखपुर के लिए आज की डेट में। तो फिर आप काम क्या करते थे यहाँ? सिलाई का। तो वापस जाने का कारण? सर अभी काम खुला नहीं है, काम बंद है, अकेला कमाने वाला हूँ, 3-3 खाने वाले हैं, क्या करेंगे। तो फिर वापस आने की उम्मीद है आपकी जाने के बाद? सर अभी तो कुछ नहीं, कहीं अब 1-1.5 साल के बाद ही कोशिश करेंगे, दिल्ली में तो आना ही नहीं है सर। तो ये महिला भी अपने परिवार के साथ सारा सामान पैक कर अपने घर की ओर निकल पड़ी है। लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने के कारण 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हुआ, लेकिन अब वो भी कभी दिल्ली वापस नहीं आना चाहती। कहाँ जा रही हैं आप? गोंडा जा रहे हैं हम, यहाँ पर काम धंधा है नहीं, तो यहाँ पर किराया देकर 3,000 रुपया तो रूम का भाड़ा पड़ता है, यहाँ पर भाड़ा कौन देगा, इतना कमाई धमाई है नहीं, तो हमेशा के लिए जा रहे हैं, रूम खाली करके आए तभी तो इतना सामान। आपका नाम? हमारा नाम तो राजकुमारी। तो आपके पति क्या काम करते थे? यही ईटागारा करते थे, लेबर वाला काम। तो अब कोई काम नहीं बचा? अब कोई काम है नहीं, यहाँ पर क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, 100-200 जो कमाते थे वो खाते थे, अब 3-3 हज़ार रुपये भाड़ा, दुख दो तो 3 महीना हो गया लॉकडाउन, 2-2.5 महीना, तो फिर अब क्या करें। तो गांव पे जाके क्या करेंगे? गांव पे जाएंगे, कुछ खेती बाड़ी का काम करेंगे तभी तो खाएंगे, ऐसे धान वान की रुपाई उपाई आ रही है, यही सब खेती में करेंगे तभी खाएंगे। तो अब वापस आने की अभी कोई उम्मीद नहीं है? अब तो जल्दी कोई नहीं आएगा यहाँ पर, जल्दी वापसी जो जाएगा ना, वापसी थोड़ी आएगा। एक और जहाँ ट्रेनें चली तो ऑटो वालों को भी लगा कि अब काम धंधा पहले की तरह चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवारी तो मिल रही है लेकिन काफी घंटों के इंतजार के बाद, और जहाँ छोड़ कर आ रहे हैं वहाँ से तो कोई सवारी नहीं मिल रही। ट्रेन की परिचालन शुरू हो चुकी है। हाँ, तो अब आप लोगों को किराया मिल रहा है? नहीं, किराया देखो मिल तो रहा है, लेकिन दिन भर में काफ़ी घूमने के बाद मिल रहा है। सवारी मिल रही है, बॉर्डर की सवारी मिल रही है, बस अड्डे की सवारी मिल रही है, स्टेशनों की सवारी मिल रही है, लेकिन वहाँ भी जाके पब्लिक परेशान हो रही है कि बस अड्डे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बसें नहीं है, स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, जिसकी गाड़ी अभी 2:15 बजे की है वो पहुँच रहा बेचारा 1-1.5 बजे पहुँच रहा है, और उसको लाइन में भी लगना है तो कहाँ से बेचारा लाइन में उसकी ट्रेन छूट जानी है। तो अब काफ़ी कम पैसेंजर आप लोगों को मिल रहे हैं? हाँ, काफ़ी कम मिल रहे हैं। कैसे आप लोगों की ये हो रही है? बस देखो चल ही रहा है पूरे दिन में, पहले हम काम कर लेते थे 700-800 रुपये काम हो जाता था, अब जाएगा 300-350-400 रुपये काम हो रहा है, किराया नहीं निकल पा रहा ऑटो का ही किराया 250-300 रुपये किराया है ऑटो का, अब ऑटो का किराया दें CNG भरवाए फिर क्या अपने घर लेके जाए। वहीं ट्रेनें चलने से कूलियों को बराबर काम मिलने लगा है जो लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीनों से बेरोजगार थे। ट्रेनें चलनी यहाँ शुरू हो गई हैं तो आमदनी हो रही है आप लोगों की? हाँ, हो रहा है, हो रहा है, टाइम निकल रहा था। 2 महीने आप लोगों ने कैसे बिताए? 2 महीने तो सब निकाले, जैसे ही निकाले भूख प्यास से सब ऐसे ही निकाले। तो अब कितने रोज की आमदनी आप कर ले रहे हैं, पहले के मुताबिक है वैसे आमदनी? नहीं, पहले के मुकाबले नहीं है सर, इतनी गाड़ियाँ ही नहीं है, पहले के मुकाबले आमदनी कहाँ से होगी। मजदूरों का पलायन जारी है, जबकि रेलवे ने 1 मई के बाद से 4,000 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनों से देश भर में 56 लाख से ज्यादा मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का काम किया है। INS के लिए आनंद सिंह की रिपोर्ट।